जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों अभी आप देख सकते हो मैं यूपी पुलिस की जो ऑफिशियल साइट है दोस्तों उस पर हूँ। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यूपी SI के जो रिजल्ट है दोस्तों वो आ चुके हैं। रिटर्न रिजल्ट जो 9534 सीटों के लिए एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसका रिटर्न रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है, अनाउंसमेंट कर दिया गया दोस्तों। तो टोटल डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों, कट ऑफ क्या रहा है और आप फिजिकल की तैयारी कैसे करें उस पर मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँ। पूरी एक प्ले लिस्ट में बना दिया हूँ दोस्तों, और उस प्ले लिस्ट में पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊँ कि फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, किन किन बातों पे ध्यान रखना, आपका डाइटिंग क्या हो, हर चीज पे मैं वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आप लोग उस पूरे प्लेलिस्ट को देखें दोस्तों और आप लोग सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे और कट ऑफ देखेंगे, कट ऑफ क्या रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, डिटेल में यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये लिंक यहाँ पे है, मैं पहले डाउनलोड करूंगा, वैसे मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। तो चलिए हम लोग रिजल्ट देखते हैं दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो लिस्ट है यहाँ पे आ चुकी है, जो रिजल्ट है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे रोल नंबर वाइज दिया गया है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया है जी दोस्तों। यानी अगर आप चेक करना चाहो तो अपने रोल नंबर वाइज भी चेक कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज भी चेक कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, रोल नंबर नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है या रोल नंबर भी नहीं है तो आप कैसे चेक कर पाओगे दोस्तों? आप लोग अपनी जो आप लोगों ने अपना नंबर दिया था दोस्तों, रजिस्टर्ड नंबर जो आपके पास है दोस्तों, तो उसके मैसेज बॉक्स में आप जाएं और मैसेज बॉक्स में आपको क्या टाइप करना है, तो UPPR जी दोस्तों, UPPR आप सर्च करें, वहां पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो शो कर देगा, योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल ऐसा मैसेज आएगा और उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दिया होगा दोस्तों। तो आप लोग वहां से जो है अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। और बात करें दोस्तों तो कट ऑफ जो है, कट ऑफ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। टोटल हम यहाँ पे बात कर लें, सीटों की जो संख्या थी दोस्तों वो 9534 सीटों के लिए यह एग्जाम हुआ था, रिटर्न एग्जाम हुआ था दोस्तों। और टोटल अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात करें तो करीब 3.5 गुना मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। और उसी प्रकार से अगर बात करें तो फीमेल कैंडिडेट जो है दोस्तों वो उनका 4 गुना, जिसमें यानी फीमेल कैंडिडेट जो है वो 4 गुना यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, यह जो सिलेक्शन है वो DV और PST के लिए, यानी फिजिकल के लिए यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। अब इनका जो है वो फिजिकल हुआ, फिजिकल में क्या क्या होता है वो सब मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, आप लोग बस वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों। अगर बात करें तो फिजिकल में दोस्तों, अगर मेल के लिए बात करें दोस्तों, तो मेल के लिए है 4.8 किलोमीटर, जिसको यानी 4.8 किलोमीटर मेल के लिए है। और इसमें जो रनिंग है दोस्तों, रनिंग टाइम जो है वो आपको 28 मिनट मिलेंगे दोस्तों, 28 मिनट मिलेंगे आपको। और कैसे रनिंग करनी, किन किन बातों पे ध्यान रखना, उनसे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही सेपरेट वीडियो मैं लाने वाला हूँ दोस्तों, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वो बहुत जल्द मैं चालू कर चुका हूँ, आप लोगों ने देखा कुछ वीडियो मैंने अपलोड किया है और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ दोस्तों, तो आप लोग उसे जरूर चेक कर लें। और इस प्रकार से अगर बात करें दोस्तों फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए अगर बात करें दोस्तों, तो इनका 2.4 किलोमीटर है 16 मिनट में, जिसको 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर रनिंग करनी है फीमेल के लिए। तो ये फिजिकल के लिए दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आपको तैयारी जारी रखनी पड़ेगी लगभग 10 मई को, जिसमें 10 मई को फिजिकल होने वाला, यहाँ पे डेट भी आया हुआ है दोस्तों। तो 10 मई को फिजिकल हुआ, तो आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग जिनका भी सिलेक्शन हो आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर लें, और चेक करने के बाद दोस्तों फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें दोस्तों। और अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल अगर कैंडिडेट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 36,170 कैंडिडेट का यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन हुआ है फिजिकल के लिए, जिसमें मेल फीमेल सभी एडेड हैं, जिसमें सभी एड इसमें किए गए हैं। 36,170 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है मेल के लिए। अगर टोटल सीटों की बात करें तो 9534 सीटों के लिए वैकेंसी आई हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी दोस्तों, जो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कैसे क्या अपना रिजल्ट चेक करना, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर नहीं है तो आप कैसे चेक कर सकते हो। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैं आप लोगों को बता दिया दोस्तों, फिजिकल से रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे कट ऑफ क्या रहा है दोस्तों, कट ऑफ के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो तुरंत ला रहा हूँ दोस्तों, और उस पर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कि कट ऑफ क्या रहा है, और आगे जो तैयारी करेंगे दोस्तों, या जिनका किसी कारणवश नहीं हो पाए इस एग्जाम में तो उनको कैसे तैयारी करनी है, तो उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। तो ओके दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। आगे के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।